परम शांति बाबू जी, मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि छोटूराम जी का ब्रह्मा कुमारी संस्था से क्या कनेक्शन है? क्या ब्रह्मा कुमारी संस्था जिन शिव की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड के शिव की बात करें, क्या वो डायरेक्ट वही है? आप जवाब बताइए परम शांति। परम शांति, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है सारी दुनिया में व्याप्त है, वो गुप्त वेश में शिव बाबा के नाम पर छोटू राम जी ही चला रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि राम और कृष्ण अवतार में भी छोटू राम ने गुप्त वेश में सभी सेल डाल डाल के, राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा में सेल डाल डाल के, या कृष्ण अवतार में अपना आकारी रूप जो निकाल के कृष्ण के साथ गुप्त वेश में काम कराया, किसी को भी नहीं पता। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं पता है कि, क्योंकि विष्णु पर ही रेज मार के सारे ब्रह्मांड में इतना भ्रम पैदा करके वो जो काम कराना चाहे वो कर सकता है। तो अभी भी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था चला रहे हैं, पूरी ब्रह्मा कुमारी संस्था, वो छोटू राम ही चला रहा है। इसलिए तो इतना पावरफुल है, क्योंकि 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा को भी, शास्त्रों को झूठ कहने वाले भी आज आज ये कहते हैं कि महाभारत हुआ ही नहीं, राम ऐसा नहीं हुआ जो शास्त्रों में लिखा है। पूरी संस्था दुनिया में आज उनके सारी दुनिया में 10,000 सेंटर हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और बेहिसाब ऐश्वर्य हैं, ज्ञान जूठा होने के बावजूद भी। तो ये कौन करा सकता है? वो तो इतनी पावरफुल कोई आत्मा हो तो ही करा सकती है। वैसे तो सारी संस्थाएं स्थूल जगत में जो भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, वो सूक्ष्म जगत वाले ही चला रहे हैं। तो यह है बीके वाली संस्था, ये वन बीके नहीं, मैंने पहले ही बोला है जो है बीके पीबीके, और हमारे यहाँ भी, इसलिए तो बोला ना कौरव यादव पांडव तीनों दुनिया, वो छोटू राम ही चला रहे हैं, मगर नाम लिया है उन्होंने शिव के नाम पर। वो गुप्त नहीं, गुप्त वेश में काम करना है ना, इसलिए नाम नहीं बताएंगे, अंत में सब प्रत्यक्ष हो जाएगा अंत में कौन है। इसलिए हमेशा ही यही कहा है इनकी वाणियों में, जो वाणियां हैं भी गॉड रेस से वाणी चलती है। जैसे दादी गुलजार है, तो दादी गुलजार में दादा लिखराज वाली आत्मा यानी कृष्ण वाली आत्मा उसमें प्रवेश करते हैं और उसमें गॉड रेस द्वारा वाणी चलाते हैं। तो वाणियों में दो प्रकार की वाणी, एक दादा लिखराज जो बोलते हैं वो विनाश विनाश करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण वाली आत्मा है। तो कृष्ण वाली आत्मा ने ओरिजिनली 5,000 साल पहले विनाश करवाया था धरती पर, उन्होंने मारी महाबारी महाभारत युद्ध करवाया था। तो अभी भी उनकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है कि महाबारी महाभारत युद्ध माना थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा होगा, तो वो महाबारी महाभारत युद्ध के लिए बोलते रहते हैं। इसलिए जो भी बात बोलते रहते हैं वो हद की बातें बोलते रहते हैं, वो दादा लिखराज हैं। और जो परम ज्ञान की बात बोलते हैं कि सारी बेहद की बातें, कुछ शब्द आते हैं बेहद के, काफ़ी शब्द आए हुए हैं वाणियों में, बेहद के काफ़ी वाणियां हैं उसमें। तो वो छोटू राम जी बुलवार हैं, खुद नहीं बोलते, छोटू राम जी ने भी अपना एक रूप निकाल के उस रूप के द्वारा काम कराते हैं, जिसका नाम मैंने नानू राम रखा हुआ है। नानू राम ने 1 लाख निराकारी रूप निकाल के जिन पूरे ब्रह्मा कुमारी में लोगों को वो निराकारी रूप, लोगों को रेज मार मार के, अच्छी अच्छी आत्माओं को रेज मार मार के, खींच खींच कर ला के ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में खींच रहा है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय सभी में से खींच रहे हैं। तो जो बेहद की आत्माएं, चाहे 108, 1,008, 16,000, 9 लाख हो, या 33 कोटि देवी देवता वाली हो, या दूसरे अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय से भी हों, कहीं भी हों, पूरी दुनिया में जो भी हों, तो बेसिक ज्ञान उनको देने का उसकी ड्यूटी है। बेजिक पूरे गली गली में उनका शिव बाबा आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, शिव शिव पिता आया है, शिव पिता हमें ले जाएंगे, शिव पिता लेने आएंगे। तो शिव पिता के नाम पर छोटू राम जी काम कर रहे हैं, सब कुछ गुप्त वेश में काम कर रहे हैं। इसलिए तो वाणियों में बोला है कि इंटू इन्वर्टेड कॉमा, ऑलमाइटी अथॉरिटी जब साकार में आने वाला है तब इनके लिए बोला है कि कोटो मुझे कौन जानता है, तो मुझे कोई, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, इसमें भी ला जानते हैं। तो कोटो में कोई मना करोड़ों में, धरती पर जो करोड़ों हैं, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत वाले दोनों हैं, केवल स्थूल जगत तो दिखाई देंगे, सूक्ष्म जगत वाले तो उनके पास करोड़ों आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत की, तो वो काम कर रही हैं।
तो कोटों में कोई दुनिया में वहाँ आता है, कोई में कोई बीके से पीबीके होकर जाता है, उसमें कोई बिरला हमारे पास आता है। इसलिए बोला कौरव यादव पांडव तीनों सेना वो छोटू राम ही चलवा रहे हैं, जो भी हो रहा है। मैंने एक बार बोला था राम ही रावण क्यों बना, उसका भी आगे चल के एक्सप्लेनेशन दूंगा। हालांकि मैंने 21 पीढ़ी में थोड़ा कुछ इसकी हिंट दी थी। 21 पीढ़ी की वीडियो अगर आप देखोगे तो राम को रामावतार के वक्त क्या हुआ क्या नहीं, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। आज जो राम को रावण क्यों बनना पड़ा, कैसे बना, ये बताएंगे आगे वीडियो बना के। मगर कौरव यादव पांडव तीनों सेना छोटू राम जी चला रहे हैं, इसलिए वहाँ कोटों में कोई आता है बीके में कोई पीबीके में, इसमें कोई बिरला होता है तो पांडव बनता है। इसलिए सारा अति गुप्त कार्य हो रहा है, दुनिया वालों को भी इतना पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, अति गुप्त ज्ञान है, गुप्त प्रसाद है, गुप्त दान मान मठ बा सब कुछ गुप्त है, बाप है गुप्त। तो बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विष का मालिक बनाता है। बीके वाले लिखते हैं मगर उसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि उसकी बुद्धि वो बेहद की आत्माएं नहीं है। जो मैंने बोला हुआ है ब्रह्मा कुमारी संस्था माना सोने की द्वारका, तो आज की सोने की द्वारका वही है जिसमें कृष्ण भी चला रहे, श्री कृष्ण वाली आत्मा याना दादा लेखराज याना ब्रह्मा बाबा, और उनकी 16,000 रानियाँ, 108 तो नहीं है वहाँ, 16,000 है वहाँ, 16,000 रानियाँ, और फिर उनकी कृष्ण श्री कृष्ण के 16,000 रूप, और फिर बेहद की भी आत्मा है, 33 कोटि देवता वाली भी आत्मा है, बाकी बहुत कुछ सब आती हैं। बेसिक प्राइमरी नॉलेज है, इसलिए वो बेसिक प्राइमरी नॉलेज में जो वाणियाँ हैं, व्यक्त वाणियाँ साकार, दादा लेखराज जब तक साकार में थे 1936 से लेकर 18 जनवरी 1969 तक दादा लेखराज ने जो साकार वाणियाँ चलाई उसको साकार वाणियाँ कहते हैं। और बाद में अव्यक्त बनने के बाद दादी गुलजार में जो प्रवेश करके उन्होंने जो वाणियाँ चलाई उसको अव्यक्त वाणियाँ कहते हैं। तो ये साकार वाणियाँ जो सेकंड पार्ट में जाओगे तो वाणियाँ कटिंग की हुई, कौन सी साकार वाणियाँ ज़्यादा सेकंड पार्ट में मानते हैं, पीबीके वाले साकार वाणियों को ज़्यादा मानते हैं, अव्यक्त वाणियों को वो ज़्यादा इतना नहीं मानते, और वो बोलते हैं कृष्ण वाली आत्मा को वो बेबी बुद्धि कहते हैं। तो ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों वाणियाँ हैं, तो उसमें काफ़ी ज्ञान, थोड़ा बाप तक पहुंचने का ज्ञान है, ऑलमाइटी तक, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो बेहद शब्द पर अगर ध्यान दें तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है। और ये बोला है कि अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, अव्यक्त वाणी 1970 की अव्यक्त वाणी में बोला गया, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो काफ़ी इशारे हैं गुजरात पर, ढेर इशारे हैं, जिनकी अज्ञान रूपी रात गुजर गई वो गुजरात है, अहमदाबाद लाइट हाउस बनेगा, तो ये सब बहुत वाणियों में गुप्त इशारे हैं। भविष्य में क्या करने वाला है छोटू राम, क्या करने वाला है, पूरा ड्रामा प्लान क्या है, छोटू राम ने क्या प्लान बनाया है, क्या प्लान के हिसाब से भविष्य में क्या होने वाला है, इसलिए उसने संगम युग भी 100 साल बोल दिया था। मगर अब जल्दी वाइंड अप हो सकता है तो करेंगे जल्दी। परम शांति।